असमकम एवरी वन मैं हूँ डॉक्टर साहर चावला एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर इस बार न्यूट्रिशन के टॉपिक को लेकर नहीं जैसा कि आप जानते हैं कि मैं समाजी मसाइल पर भी गहरी नज़र रखती हूँ और वक्ता फ़ोक्ता मोटिवेशनल और सोशल सेशन भी करती रहती हूँ तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने लगी हूँ वो टॉपिक मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है इसकी नज़ाकत से इसकी पेचीदगी से और इससे एसोसिएटेड परेशानियों से मैं ज़ाती तौर पर भी बिल्कुल नावाफ़ नहीं हूँ तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी रोशनी क्यों ना डाल दी जाए हाल ही में हमारे पास सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है अली जिशान साहब की जहेज़ के कल्चर के अगेंस्ट बेशक जहेज़ एक लानत है और जहेज़ लेने वाला मेरे नज़रिए में तो किसी लानती और किसी भिकारी से कम नहीं है लेकिन मिर्जे ऐसा लगता है कि हमें इसके समेत और भी बहुत ज़्यादा पहलुओं पर गौर करने की ज़रूरत है नंबर वन मैं इस बारे में बात करना चाहती हूं कि जितना शौक जहेज लेने वालों को होता है उतना ही शौक़ जहेज देने वाले माँ और बाप को भी होता है हमारे पास बहुत सारे लोग अपनी इस्तात ना होते अपना बजट ना होते अपनी वक्त ना होते भी सिर्फ ख़ानदान में अपनी ऊंची नाक रखने के लिए अपने आप को कर्ज़ों का शिकार कर लेते हैं अपने आप को बहुत सारी परेशानियों का शिकार

इस क़दर ये गलीस बात है कि इसको जिस कदर इस पर तनकीद की जाए और जिस कदर इसकी मजामत की जाए वो कम है उतना ही गलत जहेज़ देने की ख्वाहिश रखना भी है और उतना ही गलत उन बच्चियों का भी ये रवैया है जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते और वो अपने माँ बाप को इमोशनली टॉर्चर करती हैं टेंट्रम्स थ्रो करती हैं कि हमें ये चीज़ भी चाहिए हमें फ़लाना भी ले दें हमें वो चीज़ भी चाहिए और वहाँ पर मैं ये बात करना चाहूँगी थोड़ा सा अली जिशान साहब को एड्रेस करके कि आपने ये तो बहुत अच्छा मैसेज सर्कुलेट किया कि जहेज एक लानत है तो वो जिस पंद्रह लाख के जोड़े को पहन के जा रही है क्या हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए क्या हमारे जो एक्शंस हैं उनको हमारी बातों को हमारे मैसेज की बैकअप uh, नहीं होना चाहिए क्या उनको हमारे मैसेजेस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्या हमें वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए जो हम प्रीच करते हैं हम जो लोग सोशल फिगर्स हैं जिन लोगों का माशरे में खास हद तक इंफ्लुस है जिनकी रीच है जिनकी लोग बात सुनते हैं जिनके फॉलोअर्स हैं अगर वो अपनी जाती, ज़िंदगी को अच्छे असूलों की मिसाल नहीं बनाएंगे तो उनके फॉलोअर्स उससे क्या सबक लेंगे एक तरफ तो आप मैसेज दे रहे हैं कि जी ये लाखों करोड़ों रुपए का जेस देना जो है वो गलत है और दूसरी तरफ आपके पेज पर कोई भी ब्राइडल लहंगा लाख से कम नहीं है और जाहिर है वो सिर्फ सात छह लाख ये कम अज कम प्राइस है जो मैं आपको प्राइस रेंज बता रही हूं वो सात छह लाख जो है वो आपके पास सिर्फ एग्जीबिशन के लिए तो नहीं है इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि लोग वो जोड़े खरीदें आपने उन चीजों को नुमाइश पर रखा हुआ है ये जो सारा तमाशा चल रहा होता है ब्राइडल कटोर वीक और सब कुछ और जब वो अपनी सहेलियों को महंगे महंगे ड्रेसेस पहने देखें, जब वो देखें कि मेरी सहेली तो फ्लांट डिजाइनर का ब्राइडल कटोर वीक का जोड़ा पहन के तो वो भी अपने माँ बाप के हवासों पर सवार हो जाए कि चाहे उनको अपनी छोटी गाड़ी बेचनी पड़े चाहे उनको अपना प्लॉट बेचना पड़े लेकिन उनकी बेटी जो है वो नौ दस लाख का जोड़ा पहने तो जितना गलत जहेज का कल्चर है उतना ही गलत और बारह बारह लाख रुपए का जोड़ा पहने का कल्चर है और मैं उन सारी बच्चों को भी ये मैसेज देना चाहती हूं कि बेटे ये जोड़ा तो एक दिन की ये क्या है ये तो खत्म हो जाना है असल चीज आपके पास आपका एक अच्छा आपका केयरिंग पार्टनर है एक आपका अच्छा साथी है इन चीजों की तरफ आप लोग गौर करें मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ आप ना जाएं और जहां पर आपने ये एक वीडियो निकाली है कि जहेज कितनी बड़ी लानत है जो कि वो है वहां पर एक ये वीडियो भी निकालें कि शादी की तैयारी करते हुए अपने माँ बाप को छोटी छोटी चीजों के लिए टॉर्चर करना और उनको महंगे जोड़ों के लिए टॉर्चर करना और आप समेत वो सारे लोग जो लोगों के जहनों में इन चीज़ों की चाह और ख्वाहिश डालते हैं वो भी कितना गलत है और वो भी उसी हद तक काबिल मजम्मत भी है यहां पर मैं उन पेरेंट्स को भी एड्रेस करना चाहूंगी हमारे

देगा आपने आपकी बेगम ने एक 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 आपकी बेगम ने मिलकर जो है और वो इस चीज़ को समझे के मुझे भी अब अपनी जिंदगी के सफर की शुरुआत करनी है हलाल कमाई में मेहनत में कोशिश में स्ट्रोक ऑफ लक लगे तो लगे वरना टाइम लगता है देर इज नो शॉर्टकट टू जेनवन सक्सेस एक तरफ आपको जवान और खूबसूरत दमाद भी चाहिए और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि पहले दिन से वो सिविक भी चला रहा हो उसका किसी डिफेंस या किसी पोस्ट लोकेशन में अलग पूरा एक किनाल का घर भी हो और उसकी सैलरी भी जो है कम से कम कव चार पांच लाख हो तो ये भी लड़के वालों से बहुत ही ये उतना ही प्रेशर और बर्डन है उस लड़के पे जिस बेचारे को अपने जज्बात भी इजहार करने की हमारे माशरे में इजाजत नहीं है जितना बर्डन उस लड़की पर है

जहेज से कंपेयर करें उनकी अक्ल पर तो मैं सिर्फ मातम कर सकती हूं और उनके लिए दूर तक पहुंचाया है और यह बात जो बार बार दब जाती है इसको हाईलाइट किया है इतनी बेहतरीन तरीके से हाईलाइट किया है कि शायद ये काफी अरसे तक अभी लोगों के जहनों में रहेगी क्योंकि उसकी रूनमाई उसकी एग्जिबिशन उसकी नुमाइश इस क़दर मवसर थी कि उसने यकीन दिलों को छुआ है और बड़े अदब से तब उन तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट होगी जो कि वो प्रैक्टिस नहीं करते जो कि वो प्रीच करते हैं इसको फिर हमें हर पहलू पर जो है अप्लाई करना चाहिए क्योंकि बात सिर्फ जहेज की नहीं हो रही है बात असराफ और फजूल ख़र्ची की भी हो रही है और फ़ूल ख़र्ची जो है वो शैतान का शेवा है यहीं पर मैं अपनी गुफ्तु को ख़त्म करना चाहूंगी मुझे उम्मीद है कि मैंने इस सारे सिलसिले पर एक बैलेंस नज़रिया जो है वो पेश किया है बहुत जल्द आपसे इन फिर समाजी मसाइल पर गुफगू होगी तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज।